जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले, किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है क्या? है खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहाँ होगा, कहाँ होगा? मर जाओगे। अरे मर तो। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। पर एक बार मैच खत्म हो जाए, ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माई वेरी बेस्ट और नॉट। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है। कहते हैं कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूरत नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छेनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th mile, तो एम फॉर द 11th mile। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए।